हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो है, मैं आज करने जा रहा हूँ समर प्रूनिंग। क्योंकि मैं इसलिए लेट करता हूँ क्योंकि हार्वेस्टिंग के 6 दिन पहले जो है हम सेब ए समर प्रूनिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, आज हम इसमें समर प्रूनिंग करेंगे, तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बताऊँगा। तो ये देखिए, कुछ ऐसा है हमारे पास ये ट्री का स्ट्रक्चर। तो हम देखेंगे इसको किस तरह जो है हम इसमें समर प्रून हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे डाउन में देखेंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशन हमारे पास आई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पिछले साल कट मारा था एंड देन यहाँ पर अब एक आई स्प्राउट हो गया पीछे, बट फटा है। तो हम इसको अब यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से जो है ये आपको यहाँ पर काटना होगा ताकि जो है ये बड अब यहाँ पर अच्छे से स्प्राउट हो सके। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये बड अच्छे से स्प्राउट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए, तो हम इसके बाद अब आपको बताएंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है। तो यहाँ पर दो बड अच्छे से स्प्राउट हो चुके थे, एक ये वाला एक ये वाला। तो आगे जो है यहाँ पर और ज़्यादा स्प्राउटिंग हुई। तो हम इसको अब यहाँ से यहाँ पर ये काटेंगे, इसको यहाँ पर लॉक टाइप कर देंगे। ये देखिए, अब पीछे भी हमारे पास बड है, एक फ्रूट यहाँ पर है, दो फ्रूट यहाँ पर है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमारे पास यहाँ पर बनेगी। एंड देन नेक्स्ट में देखिए हमारे पास क्या हुआ। तो आप ये देखिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कट मारा था एंड देन जिसके बाद एक ये काफ़ी अच्छा बड हमारे पास स्प्राउट हुआ है। तो आगे हमने यहाँ पर लॉक करा था, तो ये देखिए यहाँ पर आगे रिंग कट आया। तो अब इस रिंग पर हम यहाँ पर कट मारेंगे ताकि हमारे पास काफ़ी अच्छी स्प्राउटिंग आ जाए। तो इसे भी हम फ्रूटिंग मटीरियल के ही लिए रेडी करेंगे। तो ये देखिए, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास। तो ये देखिए, हमने पीछे यहाँ पर स्प्राउटिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ पर भी रिंग पर ही हम कट मारेंगे। तो ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से होता है रिंग कट। हर कहीं हम रिंग नहीं मार सकते, कहीं आगे या पीछे। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट में देखेंगे क्या हुआ है। एक बड यहाँ पर हमारे पास बन चुका है, तो इसे अब हम यहाँ से लॉक कर देंगे। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास काफ़ी अच्छा रिंग यहाँ पर अब बना है। तो अब यहाँ पर हम रिंग पर मारेंगे। तो ये देखिए, तो इस तरह से जो है समर प्रूनिंग अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन में की जाती है। ये देखिए, नेक्स्ट में भी हम लॉक ही करेंगे इसमें। ये देखिए, तो इस तरह से आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या करना है। यहाँ पर देखिए कितना काफ़ी अच्छा बट स्प्राउट हमारे पास हुआ है। उसके बाद आगे ये वाली आई ग्रोथ करिए एंड देन ठीक यहाँ पर क्लस्टर पर जाकर जो है ये रुकी है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, तो अब हम इसे यहाँ पर कट मार देंगे। यहाँ पर देखिए आप, तो ये देखिए इस तरह से अब यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमारे पास जो है ये एंगल यहाँ पर बढ़ चुका है। तो यहाँ पर भी आप यही करेंगे, यहाँ पर भी इस तरह से ये थोड़ा सा ये निकाल देंगे इसे। तो इसे भी यहाँ पर इस तरह से निकाल देंगे। मैंने इसे यहाँ से यहाँ पर देखिए आप, ये इस तरह से यहाँ पर देखिए का रिंग पर हमारे पास क्लस्टर बनना है। तो हम इसे थोड़ा आगे, क्योंकि हमने दो फ्रूट की जगह यहाँ पर लेनी है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर इसे हम लॉक कर देंगे।
यहाँ पर देखिए ये इस तरह से होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिंग हमारे पास बन चुका था, तो ये रिंग का एंगल सिर्फ ये होना चाहिए। तो अब ये देखिए यहाँ पर देखिए ये आगे को एक वर्ड काफ़ी अच्छे से स्प्राउट हुआ। तो यहाँ पर इसे भी हम यहाँ पर ये इस पोजीशन पर हम, ताकि यहाँ पर भी हमारे पास एक वर्ड बन जाए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आए तो आप यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी रिंग यहाँ पर बन चुका है, तो हम यहाँ पर भी इसे रिंग पर से ही कट करेंगे। तो इसे थोड़ा यहाँ से, ताकि हमें यहाँ पर एक बड है यहाँ पर पीछे को है और हम उसे ही आगे कंटिन्यू रखें। तो यहाँ पर देखिए अच्छी जगह क्लस्टर आया है, तो इसे यहाँ पर यहाँ पर एक और बड स्प्राउट हुआ, ताकि हमारे पास यहाँ दो फ्रूट की जगह आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर इस ट्री का आया है। तो मैं आपको एक बारी अच्छे से दिखा देता हूँ इस ट्री के स्ट्रक्चर को। ये देखिए इस तरह से जो है हम समर प्रून करते हैं। तो ये देखिए आप ये देखिए, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह सा था। आई होप आपको ये अच्छा लगा। तो आपको मैं एक और ट्री का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, बाकी इस साल जो ये वाली चीज़ें ये ग्राफ्ट होगी। तो ये देखिए ये एक जेरोमाइन का ट्री हमारे पास, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर जो है इसका। आप ये देखिए मेरे घर के बिल्कुल साथ ही है। तो यहाँ पर ये देखिए अगर कुछ बोलते हैं तो गाय एकदम से पीछे से रिप्लाई के लिए रेडी है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये आई, सबसे पहली टहनी यहाँ पर है। तो इसको अब हम यहाँ पर ये देखिए इतना सा रखना है, चलो थोड़ा छोटा ही रखते यहाँ पर देखिए ये। तो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है, यहाँ पर देखिए आई स्प्राउट हो चुकी है। तो इसको जो है ये सेकेंड बर्ड जो है हम इसको यहाँ से निकालें, इतना सा हम इसलिए रखेंगे ताकि जो ये इसकी आइज है तो ये हमारे पास और वर्क करेगी। तो अब ये देखिए, तो यहाँ पर बिल्कुल नेक्स्ट आई में जो है बिल्कुल सही तरह क्लस्टर बना। तो यहाँ पर इसे अब यहाँ पर क्लस्टर पर काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सही जगह क्लस्टर बना, अब हम इसे यहाँ पर क्लस्टर पर से काटें। ये देखिए, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हमारे पास होना चाहिए, ताकि ये बर्ड में ही हमें कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरह से ये जो है पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पीछे बड हो चुके और यहाँ पर आगे क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा आगे हुआ। तो हम इसको यहाँ से सिर्फ इतना सा आगे हम निकालेंगे। तो ये देखिए, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमने कुछ रेडी करना होता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कट के बाद कितनी अच्छी जगह हमारे पास क्लस्टर बना है। यहाँ पर भी आपको इस तरह से ही मारने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर ये बड यहाँ पर रेडी हो चुकी, ये पहले के कट है। तो ये इस तरह से ग्रोथ करते हैं, फिर तभी समर प्रूनिंग हमेशा हफ्ते पहले करनी चाहिए आपको, हफ्ते 10 दिन पहले। यहाँ पर देखिए अच्छी जगह क्लस्टर बना है, तो आपने यहाँ पर कट मार देना। ठीक है, तो
ये देखिए नीचे से हमने इस तरह से इसे समर्पण कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम रिंग की ठीक क्लस्टर पर ही हम यहाँ पर कट मारेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बाकी तो आपके पास काफ़ी अच्छा जो है ये यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर देखिए जब आई स्प्राउट कुछ इस तरह से, तो अब यहाँ पर ठीक जगह अगर क्लस्टर पर कट लग जाए तो ये काफ़ी अच्छा जो है हमारे पास फ्रूटिंग मटेरियल बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए, चलो इसे तो हम रहने देते। ये यहाँ पर देखिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आगे कट मार, ठीक क्लस्टर पर जो है आपको पर कट मारना जो है क्या है कि होता है। तो ये यहाँ पर अब इसे यहाँ पर लॉक टाइप हम कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर सही जगह क्लस्टर बना, तो इसे यहाँ पर हमने उड़ा दिया। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से ऊपर जो है न्यू ग्रोथ हमारे पास आई थी। तो फिर यहाँ से ऊपर इस तरह से बिल्कुल, तो ये देखिए कुछ इस तरह से जो है आपके पास स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो देखिए एक बार मैं आपको और डीपली दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर, ये देखिए, तो इस तरह से जो है आपको समर्पण करना होता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आपको एक छोटा सा मैं अच्छा सा प्यारा सा व्यू दिखाऊं, तो हमारे जो पूरा एरिया है, तो देखिए किस तरह से जो है एप्पल से ऑर्चर्ड से लदा हुआ। ये देखिए पूरा जो है पूरा आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से जो है। तो चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।